यस, ये बात बिल्कुल सच है। ये मिस्टर बीस की फेस्टिवल मेरे को मिस्टर बीस ने खुद अपने हाथों से दी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई, आज मेरी एक्साइटमेंट एकदम नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि आज मैं अपनी ड्रीम चॉकलेट जिसे कहते हैं वो ट्राई करने जा रही हूँ। मैंने सिर्फ मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखी हैं, उनकी चॉकलेट्स का प्रमोशन देखा है, हर्षीज की बुराई करते देखा है, पर मुझे नहीं पता था कि कभी रियल लाइफ में मैं ये फेस्टिवल्स खा पाऊँगी। एंड सीरियसली, ये चीज़ सच हो गई। गाइस, मैं मजाक कर रही हूँ। ऑफकोर्स मिस्टर बीस्ट मेरे को क्यों देगा, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है एंड उसने मेरे लिए ये ली हैं एंड ही वांटेड मी टू ट्राई दीज और मैं इसका रिव्यू भी करूँ। और मैं इतनी खुश हूँ यार कि मेरे को ये फिश टेबल्स खाने का मौका मिल रहा है। मुझे लगा था कि ये सपना सपना ही रहने वाला है। वो चाहता था कि मैं इनका रिव्यू भी करूँ और ही ऑल्सो वॉन्टेड मी टू ट्राई दीज, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उसके हिसाब से। एंड मैंने सोचा यार, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। पर आपको ये फिश टेबल्स वैसे ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अगर मैंने अभी चेक किया तो अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल हो रही। पहले ये मेरे को ऑनलाइन नहीं दिखती थी, बट अब ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो विदाउट किसी देरी के ना इसको हम ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे जिन लोगों ने एक्चुअल में मिस्टर बीस्ट की ये वाली चॉकलेट्स ट्राई करी हुई हैं। क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हैं, ऊपर से इतनी अवेलेबल भी नहीं है प्रॉपर तरीके से इंडिया में। तो ये फर्स्ट वाली हम चॉकलेट ओपन कर रहे हैं, जो कि टूटी फूटी हुई है एंड इसका टेक्सचर तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसका पहले ही टुकड़ा मुझे ये टूटा हुआ मिला है एंड ये टूटी ही हुई है पूरी, आई डोंट नो। पर इसके आगे फर्स्ट बार पे यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर, तो यही वाला पार्ट आप शेयर कर सकते हो, बाकी आपको खुद ही खानी है। तो ये वाला जो था ओरिजिनल चॉकलेट था, दूसरी वाली खोलते हैं मिल्क चॉकलेट, इसको ओपन करते। ये भी टूटी हुई है यार, क्या बात होती है, चिथड़े उड़े हुए हैं इसके तो बहुत ही ज़्यादा। पर आई गेस इस पर क्या लिखा हुआ है, डिवॉर्ड, इसके भी चित्र उड़े हुए, पर ये इसका पैटर्न अलग है थोड़ा। मैंने ना कनव को भी बुला लिया, ऑफकोर्स कोई दूसरा बंदा भी होना चाहिए, क्योंकि कनु का तो फेवरेट है फ्लाइंग बीस्ट, ओ सॉरी मिस्टर मिस्टर बीस्ट कनु का फेवरेट है। और उसने भी कहा था मेरे को ये चॉकलेट ट्राई करनी है, बट हमको एक बहुत ही महान इंसान ने चॉकलेट दे दी है। तो ये वाली है हमारी ओरिजिनल चॉकलेट, ठीक है, इधर उधर पर, ठीक है। और इस पर लिखा है शेयर, तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा, बाकी पार्ट मेरा है। इसका ये ट्राई करो पहले। एंड नो, पर इसका मुझे टेस्ट ना बहुत ज़्यादा जो अमूल की डार्क चॉकलेट होती है ना वैसा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है। मतलब मेरे को कोई ना इसका डिफरेंट टेस्ट नहीं लग रहा है। एक होता है ना डिफरेंट, देखो जैसे डेरी मिल्क का अलग टेस्ट है, फ्यूज़ का अलग टेस्ट है, मंच का अलग टेस्ट है, पर इसका डिट्टो अमूल की डार्क चॉकलेट जैसा टेस्ट है। ये वाली है मिल्क चॉकलेट, इसको करते हैं टेस्ट। ये लो, डेरी मिल्क जैसी लग रही है। गैलेक्सी और डेरी मिल्क ऐसा लगता है मिक्स है, थोड़ा सा खा रहे तो डेरी मिल्क का टेस्ट आ रहा है, नहीं तो गैलेक्सी का आ रहा है। व्हाट इज दिस मिस्टर बीस्ट, क्या यार, क्या यार, हम तो इतने एक्साइटेड थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी अब तक। मुझे लग रहा था इसका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट होगा कंपैरिजन अगर हम करें इंडियन चॉकलेट्स का, लगा जैसे डेरी मिल्क वगैरह ये सब वैसे तो ऐसे ही हैं, पर अलग होगा टेस्ट। एक होता है अलग टेस्ट आना किसी चीज़ का, पर ये एकदम मेरे को सिमिलर ही लग रहा था। एक अमूल डार्क चॉकलेट लग रही थी, एक कैडबरी डेरी मिल्क और गैलेक्सी का मिक्स लग रहा था, तो कोई मुझे डिफरेंस नहीं लगा। तो मैं थोड़ी सी बिल्कुल निराश हो गई हूँ इस चीज़ से। हाँ, अगर आप लोगों का मन है कि आपको मिस्टर बीस की चॉकलेट खानी है, तो मैं इतना वो नहीं करूँगी कि आप लो ही लो बहुत अच्छी है। नहीं, आपको अगर खानी है तो आप अमूल डार्क चॉकलेट खा सकते हो, या आप कैडबरी या फिर गैलेक्सी खा सकते हो। बहुत छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।